अभी उस सदाकत आश्रम में और पब्लिक क्या कुछ कह रही है यहाँ पर। अभी लालू प्रसाद यादव आए हैं, श्री कृष्ण सिंह का 136वीं जयंती है और यहाँ पर पब्लिक क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं इस वीडियो में। आज लालू जी भी आए हैं, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण जी की 136वीं जयंती, बिहार के सदाकत आश्रम में ऐतिहासिक धरती में मनाई जा रही है। और आज जो ये भव्य जो प्रोग्राम हो रहा है श्री कृष्ण बाबू का, उनका सारा श्रेय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हो रहा है, उनको दिया जाता है। और उनके नेतृत्व में पूरा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज पूरा जुड़ा हुआ, प्रदेश से नेता आए हुए हैं, पूरे देश से नेता आए, हमारे गठबंधन के अंदर लालू जी आए हुए हैं, सारे तमाम नेता आए हुए हैं, लालू जी भी आए हुए हैं। क्या होने वाला है? नहीं नहीं, लालू जी तो आए, श्री कृष्ण बाबू के जयंती पे आए हैं, उनको इनवाइट था, आज उनको बुलाया गया तो आए हैं। और कृष्ण बाबू केसी बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बड़े दिनों बाद सदाकत आश्रम में जगमग नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा वीरान रहता था एकदम। नहीं ऐसा नहीं, वीरान नहीं था, वीरान तो नहीं रहता था, मगर अखिलेश बाबू जयंती 4-5 दिन पहले ही था। नहीं, उनकी जयंती तो मनाई गई थी, मगर आज उनकी जयंती की पूजा पे उपलक्ष्य में भव्य तरीके जो हर साल प्रतिवर्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह मनाते हैं, आज उन्होंने सदाकत आश्रम की सरजमीं पे मनाया। आप क्या कुछ कहिएगा, कहाँ से आए हैं? हम वैशाली जिला से आए हैं। लालू जी आए, लालू जी आए हुए हैं, पिछड़े वर्ग का मसीहा है और सामाजिक न्याय के नेता हैं और आए हैं बहुत। हम लोगों के सदाकत आश्रम में उनका स्वागत है और वो जो सामाजिक न्याय का जो बुगल फूके हैं वह हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। श्री कृष्ण बाबू लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने दीन दुखियों और गरीबों को का मसीहा बन के अपने मुख्यमंत्री काल में सबको आगे बढ़ाने का काम किया। वर्तमान समय में भी बड़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो हैं, तो पिछड़ा वर्ग का नेता हैं और बिहार के लिए क्या अच्छा कौन है किसमें? नीतीश जी, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण बाबू तो गुजर गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो वर्तमान में है, लेकिन इनका कार्यकलाप अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो हम मेरे पिताजी हमारे कुछ खिला ही नहीं रहा है गुल बिहार में कांग्रेस। समय तो अब आया, गुल तक खिलता है समय पर ही, बसंत ऋतु आता है समय पर ही, जो भी है उस समय पर आए। अच्छा, युवाओं से पूछते हैं का गुल खिलेगा जी कांग्रेस? एकदम 100% खिलने वाला है 24 में। किस पे भरोसा है आपको? भरोसा हमको राहुल गांधी पे भरोसा है, जिता देंगे से। एक जिता देंगे आपकी बात। भाजपा वाले तो जोश में 400 पार, वो तो ऐसे ही जोश में हमेशा रहते हैं, हमेशा पार कर जाते हैं, वो हमेशा पार करते, लेकिन इस बार नहीं कर पाएगा ना, फंस जाएंगे इस बार, बिल्कुल फंसेंगे। हाँ। इस तरीके से फंसेंगे ना, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत बक रहे थे ना, योगी मोदी जो भी अमित शाह है, अब वो बीजेपी मुक्त भारत होगा। हाँ, 2024 में ये पूरा है। अमित शाह बोल रहे थे कि कांग्रेस बड़ी तुष्टिकरण का राजनीति करता था, मुसलमानों का फेवर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होता था अच्छा होता था, बहुत अच्छा किया हम लोगों के लिए। अभी अच्छा नहीं हो रहा है, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एक भी चीज़ बताइए तो क्या हो रहा है। अमित शाह से नाराज हैं आप? अमित शाह पूरे बीजेपी से नाराज है, पूरे बीजेपी से, बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए आप, बस कर दीजिएगा। काहे नहीं होगा, एक आदमी से जो है ना बहुत कुछ हो सकता है। मंत्री उम्मीदवार आप लोग का है ये नहीं है, हम कहा बोले समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार बोले तो जैसे मोदी जी उधर ऐलान करके कह दिए हमारा चेहरा मोदी जी, आपका चेहरे नहीं बुझा रहा है, कौन चेहरा है जी आपका? हमारा चेहरा राहुल गांधी है, राहुल गांधी। हाँ, हमारे लिए राहुल गांधी चेहरा है और इंडिया गठबंधन मिल करके विजय के बाद जिसको चुन लेगा वही हमारा चेहरा होगा। इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन को इस बार किसी भी हाल में जीता के ही छोड़ेंगे। इधर आइए, एनडीए का चेहरा जैसे कि हुआ एनडीए का मोदी जी, वो लोग मानता है मोदी जी, आप लोग का कोई एगो चेहरे नहीं फिक्स हो पा रहा है? देखिए बताते हैं, बड़ा सवाल है। चेहरा हम लोग का इसलिए फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि पूरी भारत की जनता को हम लोग प्रधानमंत्री मानते हैं, वो लोग नहीं मानते मणिपुर की जनता को प्रधानमंत्री, वो लोग नहीं जाते कहीं। इजराइल और हमास के युद्ध पे 10 बीजेपी वाले आ जाते हैं, लेकिन मणिपुर की महिलाएं निवस्त्र हो रही है उन पे नहीं बोलेंगे वो। बिहार में स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाले थे, वो कह रहे थे हमारी सरकार बनेगी बीजेपी की, बनी भी 2 साल पहले,
बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा। आप कांग्रेस से हैं ना? जी नहीं, हम एक भारत के जनता हैं पहले, उसके बाद एक पार्टी के दल से हैं। कांग्रेस 60 साल रही दे देती है? कांग्रेस 60 साल रही भारत का, है ना, बिहार का विगत विकास हो रहा था। आज जो बेरोजगारी का दर है, आप एक मीडिया से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 92% बेरोजगारी है देश में, डाटा है, भुखमरी इंडेक्स पे भारत की भुखमरी इंडेक्स 111 नंबर पे रैंकिंग है, 120 देशों की भुखमरी की रैंकिंग होती है, उसमें भारत 111 पे था। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, यही इंडेक्स जो भुखमरी वाली है ये 34 नंबर पे थी और आज 111 पे है। पाकिस्तान 77 नंबर पे है और भारत 111 पे है। और कहते हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छा विकास कर रही है, अगर अच्छा विकास करती तो इतने आदमी बेरोजगार और भुखमरी के इंडेक्स पे क्यों खड़ा होते? जनता आप लोग की बातों को समझ नहीं क्यों पा रही है, सब वोट दे रही है उधर। जनता वोट कहीं नहीं दे रही है। अभी आप चुनाव देखिए कर्नाटका का, अभी लेटेस्ट चुनाव है कर्नाटका का, बीजेपी कहाँ गई साफ। अभी राजस्थान का परसों का रैली था प्रियंका गांधी जी का, उस रैली में ठीक बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शपथ लिया कि मैं कांग्रेस पे वोट करूंगा, और पूरी राजस्थान में एक भी आप बीजेपी के विधायक चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, सांसदों को टिकट दिया जा रहा है। मतलब 24 में भाजपा साफ हो जाएगी आप लोग कहते हैं? भाजपा पहले भी साफ थी, अभी 300 सीट किसका है? 300 सीट हम आपसे पूछते हैं, कितना लोकसभा सीट है कांग्रेस? तीन सुनिए बताते हैं आपके, पहले बता रहे 300 सीट उनका है जिनके लिए वो छलावा किए थे कि 15 लाख आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। इन आश्वासन, इन विश्वासों को लेके भारत की जनता ने उनको वोट दिया था, लेकिन इन विश्वासों पे खरा नहीं उतर पाए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि दूध पे भी GST लग चुका है। जब माँ मर जाती है तो गाय के दूध से ही बच्चा पलता है। क्या मोदी जी कहते हैं हर घर भगवा छाएगा, राम राज ही आएगा? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, प्रभु राम 14 गुण संपन्न और कृष्ण 16 गुण संपन्न थे, ये बीजेपी वाले उन 14 गुण एक बता दें हमें तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। नहीं बता पाएंगे वो राम के गुण। राम के, प्रभु राम के राज में दूध की नदियां बहती थी और आज मणिपुर जलता है, आज महिलाएं जलती है, GST लगा हुआ दूध पे। अब बताइए, दूध भी ऐसा चीज था उस पर भी आपने GST लगा दिया, तो क्या बचा नैतिकता? आप प्रभु राम के नाम से वोट मांगते हैं। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उज्जैन महाकालेश्वर का 365 करोड़ में फिर से एक शिला है ना, नया शिलान्यास हुआ, वो 3 महीने भी नहीं चला, एक आंधी में उज्जैन महाकालेश्वर की जितनी मूर्तियां थी। मंदिर का उद्घाटन कल ही अनाउंस हुआ है, 22 जनवरी को होगा, मोदी जी आएंगे करेंगे, आप लोगों ने क्यों नहीं किया ये काम राम मंदिर के उद्घाटन पे? आप देखिए, हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के में ये केस चल रहा था, ना कि एक पार्टीगत मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मोदी जी ने नहीं बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप वहाँ बनवाइए। अगर हमारी सरकार के समय, आप लोग के नेता आरोप लगाते हैं कि कोर्टे बीजेपी मैनेज कर लेता है, कोर्ट ED CBI तो मैनेज चल ही रहा है, आपके माध्यम से दिख भी रहा है, और जो निष्पक्ष पत्रकारिता आप कांग्रेस ऑफिस में करते हैं, यही आप बीजेपी ऑफिस में सवाल पूछिए। आप ब्रिजभूषण सिंह से सवाल नहीं पूछिएगा, हम लाएंगे, आप खुद आए हैं यहाँ, आप नहीं जाइएगा वहाँ। आदमी पूछता नहीं है, ब्रिजभूषण सिंह से सवाल पूछने के बाद आपके मीडिया कर्मी का हाथ तोड़ दिया गया, माइक गिरा दिया गया। पूछा ना जी, नहीं पूछा तो कहाँ जवाब मिला? आप तो नहीं, हम कांग्रेस सवाल से नहीं डरता है। आप गए ब्रिजभूषण सिंह को क्या? हम ब्रिज उतने घेराव करने के लिए आपको नहीं, एक महीना विगत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ ओलंपिक में जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उसके साथ खड़ी थी। संविधान के हिसाब से कांग्रेस चलती है, आज संविधान के हिसाब से बीजेपी चलता है, हम लोग नहीं। और 24 में बीजेपी का क्या हश्र होगा ये आप नहीं, पूरी भारत की जनता देखेगी। एक भी सीट आने में उनके विधायकों को दौड़ाया जा रहा है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है ना, उनके गाड़ियों पर गोबर फेंका जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया। भाजपा जीत जाती है, हम क्या करें? भाजपा जीतती नहीं है, दो बार विपक्ष के लायक सीट नहीं ला रही है। अब जो है ना, जनता छलावा समझ गया है बीजेपी का, कोई वोट देने वाला नहीं है बीजेपी को। जो 15 लाख का वादा किया था, आपके खाता में आया है क्या पत्रकार महोदय? आप बताइएगा। नहीं ना, आपके खाता में आ गया होगा शायद, ऐसा लगता है। नहीं, उन्होंने जब आपके खाता में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आपके खाता में आ जाएगा। आप जाइए कल, नहीं नहीं आप जाइए भाजपा का, नहीं नहीं असल में क्या हुआ,
असल में क्या हुआ, उन्होंने पुलवामा अटैक करवाया, पुलवामा के चलते मिल गया, और क्या मिलेगा, देश 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 को तोड़ना चाहते हैं। सब के ऊपर उन्होंने वोट मांग करके उन्होंने सत्ता हासिल किया है। ओ भैया जवान, ये भाजपा जो चुनावी वादा जो भी किया 2014 में आने के बाद, एक भी वादा हमको बताइए कि जो पूरा किया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। आपकी बात जनता क्यों नहीं समझ पाती है, आपको वोट 44 से 50 को सीट है। अरे वो धर्म के नाम को लड़ाते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, मंदिर, मस्जिद पर राजनीति करते हैं। यहाँ राजनीति होना चाहिए विकास पर। विकास क्या है, रोजी रोटी का सवाल होना चाहिए। मस्जिद वालों के लिए राजनीति नहीं, हम लोग सर्वधर्म, हम लोग सभी धर्म बोलते हैं। भाजपा बोलती है मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस राजनीति करती थी। हम लोग सभी धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग ऊंची जाति नीची जाति सभी को मानते हैं। तो बोलते थे कि भगवा आतंकी लोग पहनते हैं, सिंधे आपके गृह मंत्री बोले इसके कारण हिंदू वोट कई लोग नाराज हुए। नहीं नहीं वो नहीं, क्या? वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं बोले हैं, ऐसा नहीं है कि संसद में बयान नहीं था क्या भगवा आतंकवाद। मैंने आपसे पहले ही पत्रकार महोदय बोला है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्तिगत जाति की पार्टी नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस एक विचारधारा है देश की। एक नेता के बोलने से, किसी के बयान के कहने से देश का विकास, हिंदू नाराज नहीं हुआ, वही हिंदू 24 में, यही बीजेपी को आप देखिए अपने चैनल के माध्यम से धोएगा नहीं, पूरे पूरे भारत से सुपड़ा साफ कर देगा और खत्म कर देगा।